हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं नीता दत्ता सन आज आप लोग को बताएंगे कि पनीर से एक परोठा बनाएंगे। ठीक है, आप लोग अंत तक मेरे साथ रहे। देखिए, ये मेरे 100 ग्राम पनीर लिए हैं। इस पनीर को हमने कद्दूकस में ये कर लिए हैं। इसमें बादाम, पिस्ता और काजू इसको ये कर लिए हैं। इसमें है आपका एक चुटकी मिर्चा है, एक चुटकी गर्म मसाला है, आमचूर है, कश्मीरी मिर्चा है, देख रहे हैं। इसमें हल्का सा धनिया पाउडर है और ये है, और इसमें मिर्चा कटिंग करके रखे धनिया पत्ता है। और आटा में मिलाएंगे ये कस्तूरी मेथी, नमक और अजवाइन, और ये दही, और ये हमने 2 कप आटा लिए हैं। इससे हमने 1 कप मैदा और 1 कप आटा लिया, और ये मेरा 50 ग्राम पानी, इसी से हम इसको बनाएंगे। और ये मेरा रिफाइन है, जो रिफाइन ऑयल से हम इसको गूंथेंगे। चलिए आप देखिए, इस आटा में हमने 2 चम्मच रिफाइन मिलाएंगे। देखिए, 1, 2, ठीक है, 2 चम्मच रिफाइन मिलाएंगे। इसमें दही मिला दे रहे हैं और नमक और अजवाइन मिला दे रहे हैं, और इसमें कस्तूरी मेथी, ठीक है। अब इसको सबको हमने खूब अच्छा से इसको मिलाएंगे। इसी तरह इसमें मैंने हल्का दही और पानी, एकदम हल्का पानी, ज्यादा नहीं देंगे। इससे ही हम आटा को गूंथेंगे, ठीक है। इसी से आटा को हम अभी गूंथेंगे। इसमें हल्का सा घी लगा दिए थे, ठीक है, हल्का सा घी लगाकर इसमें इस तरह करके और 15 मिनट के लिए हम अब छाप के रख दे रहे हैं। अब देखिए, परोठा के स्टफिंग के लिए हमने ये पनीर है, ठीक है, इस पनीर को हमने इसमें डाल दे रहे हैं। पनीर को डाल रहे हैं, इसमें काजू, पिस्ता, बादाम ये इसलिए दे रहे हैं कि निरामिष है ना, प्याज तो नहीं डाल रहे, इसलिए ये डाल रहे हैं। इसमें मिर्चा डाल दे रहे हैं, धनिया पत्ता डाल दे रहे हैं, इसमें हल्का सा थोड़ा चीनी, उसके बाद इसमें मंगरेला डाल दे रहे हैं, जमाइन डाल दे रहे हैं, और जो जो मसाला था वो मसाला सब इसमें हमने मिला दे रहे हैं, ठीक है। ये सारा मसाला हमने मिला दे रहे हैं। अब ये मिलाकर इसमें, हाँ एक चीज़ और है, इसमें हल्का सा कागजी लेबू जो है वो कागजी लेबू इसमें हमने डाल दे रहे हैं। अब ये स्टफिंग हमारा इस तरह करके हम स्टफिंग हमारा तैयार हो गया। अब इसमें परोठा के अंदर अब इसको दोस्तों इसमें स्टफिंग डाल दिए। अब इसको क्या करेंगे, चारों तरफ से ऐसे हल्का सा मोड़ देंगे, ठीक है, इसमें भी लगा दिए। अब फिर इसको इस तरह करके हमने मोड़ देंगे, ठीक है, इस तरह मोड़ दिए। अब इसको क्या करें, इधर भी मोड़ देंगे, इस साइड को भी मुँह को बंद कर देंगे, और इधर का भी मुँह को हमने बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह करके मोड़ देंगे, फिर इस तरह करके मोड़ेंगे, और फिर इस तरह करके मोड़ेंगे, ठीक है ना, इस तरह करके हमने इसको मोड़ देंगे। अब मोड़ने के बाद फिर हम इसको बेल दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, जो मोड़ने वाला है वो एक बार आप लोग को और दिखा दे रहे हैं। देखिए उसको हम कैसे मोड़े वो देख लीजिए, एक बार वो देख लीजिए आप लोग, तब पता चलेगा आप लोग को कि हम इसको कैसे मोड़ रहे हैं, ठीक है। ये हमने कर लिए। अब इसमें हमने जैसे हल्का सा इसमें रिफाइन लगा दिए, ठीक है, आप रिफाइन लगाइए, घी लगाइए, जो भी आपको घर में है वो लगा सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें जैसे इस तरह करके आप भर दीजिएगा, ठीक है, ये बच्चों लोग के लिए बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे इधर नाश्ता दीजिए, बच्चों को खुश हो जाएगा, ये बनाइए आप लोग घर में निरामी से, आप बहुत अच्छा देखिए। फिर इसको ऐसे हमने मोड़ दिया, ठीक है, इसका मुँह को जो है हम चारों तरफ बंद कर दिया, और फिर इस तरह करके हमने इसको भी कर दिया, ठीक है ना। अब ये कर दिए, अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है, फिर इसको ऐसे जैसे खाजा कैसे मोड़ते हैं उसी तरह करके हमने इसको मोड़ेंगे, ठीक है, फिर ऐसे मोड़े और फिर ऐसे मोड़े, ठीक है, ऐसे ये मुड़ गया। इस तरह करके हमने, खुलेगा नहीं, इसको ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे करके आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे करके हाथ से आपने इसको ये कर लीजिए, ठीक है ना, एकदम इस तरह का करके आपको बनाना है। देखिए इसके अंदर ये भर दिए हैं, स्टफिंग भर दिए इसका, और इसी तरह करके हमको फिर इसको हम बेल लेंगे, जैसे ऐसे करके इसको हल्का सा मैदा से इसको इस तरह करके हमने बेल लेंगे, ठीक है। देखिए ये मेरा बेला गया है, ये इस तरह करके हमने इसको तैयार कर लेंगे, ये देखिए ये तैयार हो गया है इसी तरह करके दोस्तों। अब सारा हम इस तरह
बेल लिए हैं, चलिए अब इसको तलेंगे। दोस्तों गैस ऑन करके हमने पैन चढ़ा दिए हैं, फ्राई पैन। अब इसमें हल्का सा हमने रिफाइंड लगा देंगे, ठीक है, हल्का सा इसमें हमने रिफाइंड लगा देंगे। और इसमें तवा मेरा गर्म हो गया और हम ये परोठा को हमने पनीर परोठा को हमने डाल दिया। अब इसको एक साइड पकने देंगे, साइड पक जाकर तो फिर दूसरा साइड इसको उलट दे रहे हैं दूसरी साइड में, ठीक है। अब एक साइड में इसमें हमने हल्का सा और रिफाइंड लगा दे रहे हैं, हल्का सा इसमें रिफाइंड लगा दे रहे हैं। दूसरी साइड में भी हम इसी तरह हल्का सा रिफाइंड लगा दे रहे हैं। देखिए मेरा एक तैयार हो गया है, देख रहे हैं, अब इसको निकाल ले रहे हैं। देखिए दोस्तों ये कितना अच्छा, देखिए कितना अच्छा, देख रहे हैं सीज भी गया, कितना अच्छा से ये बन भी गया, एकदम लगता है कितना खस्ता हुआ अंदर में, एकदम तोड़ के देखिए इतना अच्छा लग रहा है देखने में, देख रहे हैं। दोस्तों मेरा परोठा पनीर की कैसा लगा आप लोग को रेसिपी, अच्छा लगे तो आप लोग बनाइए घर में, बहुत अच्छा लगेगा, ये बच्चों तो बहुत आनंद से खाएंगे। और ये मेरा आम का कुचा है जो हमने नेक्स्ट लिंक आप लोग को वीडियो दे देंगे आम का कुचा का, ठीक है, आप लोग बनाइए और खाइए। अच्छे लगे तो हमें कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।